जय हिंद बच्चों, आज हम लोग भारत दर्शन मुंबई के बारे में पढ़ेंगे। भारत में एक राज्य है महाराष्ट्र, उसमें महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है। चलिए आइए इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया की नींव 31 मार्च 1911 को रखी गई, लेकिन इसका जॉर्ज वीटेड द्वारा बनाया गया डिजाइन सन 1914 में पास हुआ और निर्माण कार्य सन 1924 में पूरा हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह दक्षिणी मुंबई में समुद्र के किनारे पर बना हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई 26 मीटर है। गेटवे ऑफ इंडिया का संरक्षण भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य 31 मार्च सन 1911 को शुरू होकर 4 दिसंबर सन 1924 को पूरा हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया को सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए बनाया गया था। सम्राट और महारानी तो 2 दिसंबर सन 1911 को जब भारत पहुँचे तो उन्हें गेटवे ऑफ इंडिया का केवल गत्ते यानी दफ्ती से बना हुआ प्रतिरूप ही देखने को मिला, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य सन 1924 में पूरा हुआ था। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई भारत राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है। यह भारत का सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई का पूरा नाम बम्बई था, पुराना नाम था। सन 1995 में इसका नाम मुंबई रखा गया। मुंबई पूरी दुनिया में अपने फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 200 फिल्में बनती हैं। और मुंबई के फिल्म उद्योग को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच, मैरिन ड्राइव, एसएल वर्ल्ड, वाटर किंगडम, हाजी अली दरगाह, नरीमन पॉइंट, चौपाटी आदि पर्यटन स्थल हैं यहाँ मुंबई के। और यहाँ के प्रमुख त्यौहार क्या हैं? दीपावली, ईद, होली, क्रिसमस, नवरात्रि, दशहरा आदि तो मुंबई के प्रमुख त्यौहार हैं, लेकिन इसमें गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी कुछ ज़्यादा उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। मुंबई में लोकल ट्रेनें, BST द्वारा चलित बसें, ऑटो रिक्शा, टैक्सी आदि यहाँ के लोगों के लिए का यातायात का प्रमुख साधन है। मुंबई में 2 क्रिकेट स्टेडियम, वानखेड़े और ब्रेबोर्न भी हैं। हाँ बच्चों, ये भी जानना जरूरी है, मुंबई नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, मुंबा और आई। मुंबा हिंदू देवी दुर्गा का रूप है और आई मराठी भाषा में माँ को कहते हैं। मुंबा और आई से ही मिलकर मुंबई बना है। तो बच्चों, ये भारत दर्शन मुंबई के बारे में आज मैंने जो पढ़ाया है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और इसी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं दूंगी, उस प्रश्नों को आप इस पाठ और उसको सॉल्व करिएगा।